दोस्तों नमस्कार एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू चैनल। तो आप सभी का स्वागत है ढेरों सारी शुभकामनाओं के साथ, क्योंकि भाइयों इस समय जो है यहाँ पर पितृपक्ष चल रहा है, आने वाला समय नवरात्रि है, फिर यहाँ पर दिवाली और विशेषनल एरिया जो है यहाँ पर काफ़ी सारे जो प्रोग्राम से लगातार आने वाले तो माहौल बना हुआ है। इसी बीच क्यों ना अहमदाबाद उदयपुर का लोकार्पण भी हो जाए। जी हाँ, वीडियो उसी के ऊपर होने वाली, फिलहाल पूरा वॉच कीजिएगा। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए भाइयों, सबसे पहली बात कि अहमदाबाद अभी जो है ना यहाँ पर कुछ गाड़ियों को लेकर काफ़ी सारी चीज़ों को बताया जा रहा है, जो कि अभी आपको बता दूं कि अहमदाबाद में तीसरी वंदे भारत मिलने वाली, जो कि बहुत बड़ी खुशखबरी। और यहाँ के लोगों को काफ़ी सारे लोग कमेंट भी कर रहे थे कि अब बहुत ही बढ़िया न्यूज है। इसके अलावा अब यहाँ पर जो कि दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात आने वाली इनॉग्रेशन को लेकर। जी हाँ दोस्तों, इनॉग्रेशन क्या होता है? लोकार्पण। क्योंकि रूट को बने काफ़ी लंबे समय बीत चुका है, क्योंकि जुलाई में आखिरी 11 किया गया, तो तभी जो है यहाँ पर सितंबर का महीना चल रहा है और सितंबर के महीने का लगभग आखिरी जो हफ्ता है करीब आ चुका है। और इसी बीच में यहाँ पर जो खबर है ट्रेनों को चलाने की, वह काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भी हो चुकी है। आपको बताते चलो कि अहमदाबाद उदयपुर 297 किलोमीटर का रूट है, दिल्ली जाने का सबसे शॉर्टेस्ट रूट है। और यहाँ से आप जयपुर, अजमेर, मावली, चित्तौड़गढ़, रतलाम और मध्य प्रदेश से भी कनेक्ट हो सकते हैं। फिलहाल सबसे शॉर्टेस्ट रूट और सबसे इम्पॉर्टेंट रूट तो बनाया गया, लेकिन अभी तक शुरू जो है नहीं किया गया है। आपको बता दूं कि 26 सितंबर को यहाँ पर ट्रेन चलाने की बात निकल कर आ रही है, क्योंकि 26 सितंबर को ही मोदी जी के द्वारा देश की थर्ड वंदे भारत ट्रेन गांधीनगर कैपिटल टू मुंबई सेंट्रल वंदे भारत 180 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाली तीसरी वंदे भारत की इनॉग्रेशन जो है किया जाने वाला है। तो ऐसे में इसकी भी यहाँ पर आस लगाई जा रही 30 सितंबर को कि इस रूट का भी इनॉग्रेशन किया जा सकता है। फिलहाल अभी तक किसी तरह का ऑफिशियली बयानबाजी इस पर नहीं हुई है, मतलब किसी तरह का भी जो है कि इसका इनॉग्रेशन किया जाएगा, या इस चीज़ को लेकर अभी तक इस रूट को हरी झंडी नहीं दी गई है। फिलहाल हरी झंडी तो यहाँ पर खरबा चंदर से लेकर जय संबंध के बीच में जो सियारा सिया था उसको भी नहीं मिली है। तो समझ रहे हैं आप कि मामला कहाँ है और मामला कब तक सुधरने के आसार है। तो ये सब चीज़ें हैं। फिलहाल रही ट्रेनों की बात, तो कुछ ट्रेनें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको बताते चलो कि अहमदाबाद से लेकर जो उदयपुर का सेक्शन है, यहाँ पर अहमदाबाद की काफ़ी सारी रूट ट्रेन है, इस रूट पर टर्मिनेट जो है की जाएगी। अब लोग कहते हैं कि भाई अहमदाबाद की जो ट्रेनें उदयपुर आएगी, उदयपुर में रखरखाव की सुविधा तो है नहीं, उसकी ट्रेनें बड़े मुश्किल से मावली, जो मावली से उदयपुर की ट्रेन चलती मावली में ही सर्विस की जाती है, बड़ी सादड़ी में ही सर्विस की जाती है। तो ऐसे में आपको बता दें चलो कि उदयपुर आज बड़े से देखने में छोटा है, मगर फ्यूचर इज वेरी ब्राइट फ्रॉम उदयपुर। क्योंकि आने वाले समय में उदयपुर को ना, क्योंकि जब यहाँ पर अहमदाबाद का सेक्शन खुला होगा, शुरू किया जाएगा, तो जो उदयपुर की अभी कंडीशन है कि यहाँ पर ट्रेनों का रखरखाव कोई जो है अगले स्टेशन पर किया जा रहा है, तो ऐसे में उदयपुर का जो जिम्मेदारी है, जो नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए यात्रियों के रखरखाव के लिए, वह काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे में यहाँ पर एक्स्ट्रा प्लेटफॉर्म्स, यार्ड सेक्शन, इनके रखरखाव के लिए विशेष जगह को बनाया जा सकता है। और इस पर ऐसा नहीं, आपको बता दूं कि अभी हाल ही में यहाँ पर वंदे भारत ट्रेनों को लिए भी प्रस्ताव जो है भेजे गए थे। और इसके अलावा आपको बता दूं कि हेरिटेज के रूप में इस स्टेशन का भी रीडेवलपमेंट होने वाला है। तो रीडेवलपमेंट जब किया जाएगा ना, तो एक साथ काफ़ी सारी ट्रेनों को रखरखाव के लिए यार्ड बनाया जाएगा, प्लेटफॉर्म की संख्या को भी इंक्रीज़ किया जाएगा। तो ऐसा नहीं कि भाई भारतीय रेलवे यहाँ पर अहमदाबाद की ट्रेनें इस रूट पर चलाएगी तो भाई इसका जो है फ़ायदा कैसा मिलेगा। तो भाई इसके लिए भी रेलवे ने प्लानिंग शुरू कर दी, टेंडर वगैरह निकाला जा चुका है उदयपुर रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट कार्य के लिए। तो समझ में आपको आ रहा होगा कि धीरे धीरे सही, मगर रेलवे एक से बढ़कर अगला कदम जो है लगातार बढ़ा रहा है। तो आप लोग काफ़ी सारे लंबे समय से वक्त को इंतजार कर रहे थे, फिलहाल ये कह पाना मुश्किल है कि यहाँ पर इतनी जल्दी ट्रेनों की संख्या को बढ़ाया जा सकता है। फिलहाल धीरे धीरे करके ट्रेनों को बढ़ाया जाएगा। आप 26 तारीख नहीं तो दोस्तों 30 तारीख तक इंतजार कर सकते हैं, क्योंकि इसी बीच ट्रेनें शुरू होने के आसार है। तो थैंक्स फॉर वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय एवरीबॉडी।